जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलभरतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि मैं नित्यं कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर्वकामार्थसिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर देहि मैं देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। बहुत से भक्त लोग मेरे से पूछते हैं राहु के बारे में कि आप राहु के बारे में वीडियो बनाओ, हमारा राहु बहुत खराब है। और वास्तव में राहु बहुत खराब होता है, क्योंकि राहु जिसकी भी जिंदगी में आ जाता है वो उसकी जिंदगी को तबाह कर देता है, छिन्न भिन्न कर देता है, क्योंकि राहु राक्षस ग्रह का काम करता है। जिसके भी जिंदगी में राहु आता है 18 साल के लिए राहु आता है, और 18 साल तक वो राहु उसको बहुत परेशान करता है। किसी का बचपन में आ जाता है तो बचपन खराब कर देगा, किसी का जवानी में आ गया तो जवानी बर्बाद कर देता है, और किसी का यदि प्रौढ़ अवस्था में आए तो प्रौढ़ अवस्था को खराब कर देता है, और यदि किसी की वृद्धावस्था में आए तो पूरा वृद्धावस्था उसकी खत्म कर देता है। यानी कि यदि बचपन में आ गया तो उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, उसके माता पिता छूट सकते हैं, माता पिता मर सकते हैं, वो बिना माता पिता के ही पलता है, या फिर उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, उसके ऊपर ऊपरी बाधा लग सकती है। और जवानी में यदि वो आ गया राहु तो जवानी खराब कर देता है, वो कितना ही पढ़ाई लिखाई करे उसकी सर्विस नहीं लगती है, और बिना सर्विस के कुछ नहीं हो सकता, उसका विवाह नहीं होता है, और होता है तो पत्नी छोड़ के चली जाती है, तरह तरह की बीमारियां लगती है। और यदि राहु प्रौढ़ अवस्था में आ गया तो आपकी जमा पूंजी को बर्बाद कर देता है, मकान नहीं बनने देता है, बच्चों के शादी ब्याह नहीं होने देता है, यानी कि कोई न कोई ऐसा धोखा हो जाता है जिसकी वजह से उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है। या कई बार ऐसे मनुष्य को जब राहु का प्रभाव पड़ता है तो उसे मारे मारे फिरना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खाता है वो, और बुढ़ापे में आ गया तो बिस्तर पर ही उसे सब काम कर, यहीं पर ही नर्क उसको नजर आता है। वो भगवान से मौत मांगता है, मौत, पर मौत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि राहु अपना कर्म करता है, और राहु कर्म करेगा तो वो परेशानी तो अवश्य देगा ही देगा। अब राहु से कुप्रभाव से बचने के लिए आपको रत्न का धारण करना चाहिए, गोमेद रत्न का आप धारण कर सकते हो, और गोमेद रत्न अच्छी क्वालिटी का यदि आप लेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और यदि राहु धन भाव में बैठ गया, यानी कि दूसरे भाव में यदि राहु बैठ जाता है तो जिंदगी भर धन के लिए वो तरसाता है, धन आपके पास नहीं रखेगा, धन के घड़े में छेद कर देता है, आप धन कमाते जाएंगे और आपका धन बर्बाद होते जाएगा। 100 रुपए आना है तो 400 रुपए के लिए रास्ता खड़ा रहेगा आपको, और अचानक धन आएगा भी पर अचानक चला भी जाएगा। इसलिए राहु को शांत करना चाहिए, और राहु के कई उपाय हैं जीवन में, वो करना अनिवार्य होते हैं, इस वजह से भी राहु को कंट्रोल किया जा सकता है। तो राहु जो जिसके जीवन में आता है, सबसे पहले राहु उसे झूठ बुलवाने का काम करता है, और वो झूठ बोल करके ही अपनी औकात को बनाए रखता है। कुछ हद तक कुछ कुछ जगह सही भी बोलेगा, परंतु जरूरत पड़ी तो वो झूठ बोल देता है, और किसी भी तरीके से वो अपने वर्चस्व को नीचा नहीं गिरने देता है, झूठ पर झूठ बोल करके उसकी सफेद बनाने का प्रयास करता है। और अधिकतर जादूगर जो होते हैं वो राहु से प्रभावित होते हैं,
क्योंकि जादूगर का काम होता है हाथ की सफाई दिखाना, अपने शब्दों के जाल में उलझाना उनको। इसलिए राहु प्रभावित व्यक्ति ही जादूगर बनता है और राहु प्रभावित व्यक्ति ही तांत्रिक बनता है, क्योंकि उसके बाद काली शक्तियां भी आती है और राहु सम्मोहन करने का काम भी करता है, वशीकरण करने का काम भी करता है, चाहे अपने लच्छेदार भाषण के माध्यम से करता हो या अपनी क्रिया के माध्यम से करता हो, अपनी एक्शन के माध्यम से करता हो, परंतु सम्मोहन और वशीकरण भी राहु ही करता है। तो जिस स्त्री के जीवन में राहु आ जाता है तो वह सम्मोहित भी होती है और उसका वशीकरण भी हो जाता है और करने वाला मनुष्य भी राहु वाला ही होता है। और राहु चूंकि किसी पुरुष का सिर है, उसके नीचे का धड़ नहीं है, तो राहु चारों तरफ घूमता है, वो दसों दिशाओं में देख लेता है। ये राहु का खास काम होता है, तो उसे हर जगह का जो भी क्रिया होने वाली उसका आभास पहले से हो जाता है। जिसके जीवन में राहु चलता है उसके जीवन में जो आगे घटना घटित होने वाली वो उसके स्वप्न में आने लगती है या दिखने लगती है, आभास होने लगती है और वैसी ही घटनाएं होती है, क्योंकि दिमाग चलता रहता है। तो राहु किसी का कमजोर भी होता है, राहु किसी का प्रबल भी होता है, राहु की वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं, दुर्घटनाएं भी घटती है और राहु शराब का सेवन भी करता है। तो राहु से ग्रसित व्यक्ति यदि शराब न पिए तो बहुत सारी चीजें कष्टों से वो निजात पा सकते हैं, परंतु राहु हमेशा नशे की ओर लेकर के जाता है। वो शराब पिलाता है, जर्दा चूना खिलवाता है, बीड़ी सिगरेट पिलवाता है। इसी वजह से राहु से प्रभावित होने लगता है, राहु से ग्रसित हो जाता है और खून के अंदर उत्तेजना देने का काम करता है और राहु मेमोरी को भी कम करता है। इसलिए मेमोरी बनाए रखने के लिए जो खान पान होता है उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। और राहु की वजह से शारीरिक तकलीफ भी बहुत होती है, राहु की वजह से घुटनों में दर्द होता है, राहु की वजह से मोटापा भी बढ़ने की संभावना, क्योंकि बीमारी का कारण है। राहु बीमारी अवश्य देगा आपको। और राहु से ग्रसित व्यक्ति उनका पैसा दूसरा यदि उधार लेता है तो वापस नहीं करता है। यह एक तरीके से राहु से प्रभावित व्यक्ति के लिए होता है। तो लाटरी, जुआ, सट्टा, ये काम भी राहु से ग्रसित व्यक्ति ही करता है और नुकसान भी खाता है। और राहु की देवी जो है सरस्वती है और वह अपने समय पर व्यक्ति को सत्यता भी देती है, यानी कि राहु से ग्रसित व्यक्ति सत्य भी बोलता है और झूठ भी बोलता है। लेकिन सरस्वती और लक्ष्मी में बैर है, तो जहां सरस्वती होती वहां लक्ष्मी नहीं होती है और जहां लक्ष्मी होती वहां सरस्वती नहीं होती है। और जो मनुष्य राहु से ग्रसित है और जो कहता है कि मुझे सरस्वती भी मिल जाए और लक्ष्मी भी मिल जाए, दोनों के चक्कर में रहते हैं, तो वह कुछ दिन तक तो झूठ बोल सकते हैं पर उसके बाद झूठ नहीं बोल सकते। फिर या तो सरस्वती जी उन्हें शाप दे देती है और उनके शरीर के अंदर तरह तरह की बीमारियां लग जाती है, उनका धन छीन लिया जाता है, समाज से बहिष्कृत हो जाते हैं या वो खुद ही समाज से दूर हो जाते हैं, या फिर उन्हें जेल की यातना भुगतना पड़ सकती है। इसलिए राहु से ग्रसित व्यक्ति को या तो सरस्वती की ओर आकृष्ट होना चाहिए या फिर सिर्फ लक्ष्मी की ओर आकृष्ट होना चाहिए, दोनों काम नहीं करना चाहिए। राहु अलग अलग भाव में ज्योतिष के हिसाब से अलग अलग कार्य करता है। राहु बिच्छू का जैसा जहर भी है और राहु से ग्रसित व्यक्ति यदि होता है तो उसे बिच्छू के काटने का डर रहता है, सांप के काटने का डर रहता है, इसलिए उसे थोड़ी सी सावधानी बरतना जरूरी होती है। और राहु से ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु
या तो कारागार में होती है, कारागृह यानी जेल में होती है, या सांप के काटने से होने की संभावना हो सकती है, या बिच्छू के काटने से हो सकती है संभावना। राहु वाले व्यक्ति को सूंघने की शक्ति भी ज्यादा होती है। राहु से ग्रसित व्यक्ति यदि उसका प्रभाव है तो वह मेला कुचेला रहने लगता है, शमशान में रहने लगता है, अघोरी बन जाता है, ओघड़ बन जाता है। चाहे वो किसी बड़े घर में भी उत्पन्न होगा तो भी उसे शमशान से ज्यादा प्रेम होता है। इसलिए राहु से ग्रसित व्यक्ति को हमेशा राहु की जो इष्ट धात्री देवी है सरस्वती, उसका जप तप करना चाहिए ताकि राहु गलत प्रभाव न डाल पाए, और कम से कम उसके पास दिमाग रहेगा, दिल रहेगा, तो वो उससे कुछ पैसा तो कमा करके अपनी जिंदगी गुजार सकता है। और राहु शुगर की बीमारी भी देता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी देता है, और गंदे काम करवाने के लिए काम करवाता है, नौकरों जैसा काम करवाता है। इसलिए राहु को शांत करने के लिए एक नारियल के ऊपर तिल के तेल का तिलक लगा करके बहते पानी में विसर्जन करें। ओम ब्राह्म ब्रीम रोम स राहुवे नमः, ये मंत्र बोलते हुए जप करें, और ये मंत्र बोलते हुए दशांश काले तिल से हवन करें, या फिर दुर्वांकुर और काले तिल को मिला करके हवन करें, तो राहु शांत रहता है। राहु शक की बीमारी भी देता है, क्योंकि राहु अंधा है। उसके मैंने बताया ना कि राहु सिर्फ सिर है, चारों तरफ घूम सकता है, चारों तरफ देख सकता है, ऊपर नीचे भी देख सकता है, और राहु जोखिम भी लेता है, और राहु के अंदर अपमान भी होता है, मृत्यु भी हो सकती है, और जान जोखिम में डालता है वो। इसीलिए राहु से बच करके रहना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में राहु अवश्य आता है, और जब जब भी आता है उसकी कुर्सी हिल जाती है, उसकी सत्ता हिल जाती है। और पंचम भाव का राहु संतान और बुद्धि का प्रतीक है, तो वह हमेशा जल्दी से जल्दी हर काम करने के लिए लगा रहता है। और राहु की वजह से वो जो काम करता है बुद्धि के माध्यम से, कई बार वो काम छोड़ देता है और दूसरे काम में अपना मन लगा लेता है, यानी उसकी शिक्षा दीक्षा बीच में छूटने की संभावना रहती है। वो अलग अलग प्रकार की शिक्षा दीक्षा लेता है। और छठे भाव का राहु बुद्धि के अंदर भ्रम देने का काम करता है। राहु को दवाई का प्रतीक भी है, इसलिए हम कहते हैं लहसुन प्याज जो है ये राहु केतु का प्रतीक है। और जो दवाइयां शरीर में अल्कोहल की मात्रा को बढ़ाने का काम करती वो राहु का ही काम करती है। इसलिए राहु से ग्रसित व्यक्ति को लहसुन प्याज का सेवन अवश्य करना चाहिए। और यदि राहु किसी मंदिर में, मस्जिद में, मठों में साफ सफाई का काम करने लग जाए तो इसका अर्थ यह हुआ कि राहु आपको कष्ट नहीं दे पाएगा। तो राहु से ग्रसित व्यक्ति को मंदिरों में जाकर के साफ सफाई करना चाहिए, तो इसलिए राहु कष्ट कम देगा, और उसे हमेशा सरस्वती का स्मरण करते रहना चाहिए तो भी कष्ट वो कम देगा। और यदि राहु से ग्रसित व्यक्ति लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए पीछे लगा रहेगा तो लक्ष्मी तो आएगी परंतु सरस्वती नाराज होकर चली जाएगी, बुद्धि को दुर्बुद्धि में परिवर्तन कर देती। इसीलिए राहु अदृश्य शक्ति का कारक है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी मनुष्य को राहु की शांति करवाना हो, राहु का अनुष्ठान करवाना हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी को पत्री दिखवाना हो, जन्म पत्रिका दिखवाना हो कि उनका राहु कब आएगा और राहु आएगा तब क्या क्या होगा, यदि ये विश्लेषण कराना हो तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9893128047, या फिर 9251733747 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें तो आपको उचित सलाह दी जाएगी और आप हमारे
से अनुष्ठान भी उचित विधि विधान से हम करवा सकते हैं। माँ कामाख्या जगत जननी आदि शक्ति भवानी आल्हादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी आपका कल्याण करें। मां भगवती आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखें।